दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह है जिसका नाम एरिया 51 है। यह जगह अमेरिका देश में मौजूद है जहां पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। अमेरिका की इस रहस्यमय जगह पर आखिर क्या है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन लोग इसे लेकर अटकलें लगाते रहते हैं। अमेरिका के इस बेस पर हाई सिक्योरिटी रहती है। हाई सिक्योरिटी और गोपनीयता के चलते इस जगह से कई सारी थ्योरी जुड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग मानते हैं कि इस जगह पर एलियन रहा करते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगास में 133 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह पर अमेरिका के कई वायु सेना के कैंप मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी से बंद रहते हैं, जहां पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। माना जाता है कि इस एयरबेस में आमतौर पर हथियारों का परीक्षण होता है और यहां पर नए विमानों की ट्रेनिंग भी होती है। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी वायु सेना के हाथों में चला गया। 2013 तक CIA ने कभी भी इस फैसिलिटी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। 2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध के बाद उन्होंने इसे स्वीकार किया। लेकिन एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है इसके बारे में सभी जानकारियाँ गुप्त हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है। इंजीनियर रिसर्च और इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इसे 1950 की रोजवेल दुर्घटना से भी जोड़ा जाता है। यह बेस 1950 के दशक से पहले U-2 और बाद में B-2 स्टील बम्फर का ट्रेनिंग ग्राउंड रहा था। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का कहना है कि मूल रूप से यह आर्मी एयरक्राफ्ट के पायलटों के लिए हथियारों को टेस्ट करने की एक जगह है। शीत युद्ध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले U-2 जासूसी विमान और हथियार प्रणालियों को भी यहां टेस्ट किया जाता था। वर्तमान में अभी भी एरिया 51 का उपयोग एक रहस्य बना हुआ है जिसे कोई नहीं जानता। रहस्य एरिया 51 नेवादा परीक्षण रेंज का हिस्सा है। यह UFO से जुड़े सिद्धांतों का केंद्र है। तथा कथित रोजवेल क्रैश इतिहास की सबसे चर्चित और विवादों से भरी थ्योरी रही है। जुलाई 1947 में इस जगह से एक रहस्यमय मलबा मिला था। बाद में एक खबर में लिखा गया कि यह एक उड़न तस्तरी थी जो कि न्यू मैक्सिको में क्रैश हुई थी। इस क्रैश के बाद से ही एरिया 51 को इस घटना से जोड़कर देखा जाने लग गया, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है।